हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सोशल केस क्लब नेटवर्क अगर आप भी यूज़ करते हैं तो उस पर नया ऑफर लाइव हो चुका है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है और वो ऑफ़र अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 99 रुपीज़ का ऑफ़र है। मतलब इस एक ऑफ़र को कंप्लीट करने में आपको 99 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑफ़र को कंप्लीट करने कैसे करना है, इसके लिए आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोशल केस क्लब नेटवर्क पर लॉगिन कर लेना है, माय ऑफ़र में जाना है। उसके बाद जैसे ही आप माय ऑफ़र में जाएंगे, आपको वहाँ पर जितने भी आपके ऑफ़र हैं वहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, इससे पहले एक 95 वाला ऑफ़र आया था जो कि क्लोज़ कर दिया गया है, अभी 99 वाला ऑफ़र यहाँ पर लाइव चल रहा है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, एस्प्रेसो वाला ये ऑफ़र है, इस पर आपको 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है इसमें, और आपको इस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको अपना ईमेल और सिटी इसमें चूज़ करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। पूरी स्टेप ध्यान से देखिए, मैं पूरी स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखने के बाद अपना जो सिटी है उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर सिटी पे जैसे ईमेल आईडी आप डालेंगे, उसके नीचे आपको सिटी का ऑप्शन मिलेगा। सिटी में आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, इसमें अगर आपका यहाँ पर आपकी जो सिटी है उसका नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर ढूंढ लें कि आपकी सिटी का इसमें नाम है या नहीं है। अगर नहीं है, बाय चांस इसमें अगर आपकी सिटी का नाम नहीं है, आई थिंक शायद होगा भी नहीं। आप जैसे ही यहाँ पे लिस्ट में आपकी सिटी के नाम ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको नाम नहीं मिलेगा। अगर नाम नहीं है यहाँ पर आपकी सिटी का, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक खाली जगह मिल दिख जाएगी, उसमें आपको अपनी सिटी का नाम सर्च करना पड़ेगा, तभी आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं मेरी सिटी का नाम देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिटी का नाम में नहीं, मतलब मेरी सिटी का नाम यहाँ पे है ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको अपनी सिटी का नाम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी सिटी का नाम आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिटी का नाम यहाँ पर चूज़ कर लें। नहीं तो अगर आप इसमें इस लिस्ट में सिर्फ ढूंढने बैठेंगे तो आपको यहाँ पूरा दिन लग जाएगा, आप अपनी सिटी का नाम इसमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना होता है। अब OTP यहाँ पर डालने के लिए आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे OTP डाल देना है। जैसे ही OTP डालेंगे तो ये ऑटो रीलोड हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। इसमें फिर आपको डॉक्यूमेंट और अपनी पर्सनल डिटेल डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रोसेस है पूरी। पैन कार्ड और बैंक की डिटेल डालना है सबसे पहले, तो यहाँ पर पैन एंड बैंक डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पर डालना है, 10 डिजिट का आपका जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर सही डालना है। आपको पैन कार्ड में देख लेना है, पैन कार्ड में देखने के बाद ही आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है जो कि 10 डिजिट का होता है। ठीक है, अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जन्म दिनांक यहाँ पर आपको डालना है नेक्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें IFSC कोड, आपकी जो बैंक है उसका आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालना है, तो आपको जो आप जो अकाउंट नंबर डाल रहे हैं उसको आपको 2 बार डालना होता है कंफर्मेशन के लिए, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर आप सही डालें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन वाले ऑप्शन में जाकर आपको फिर से एक बार अकाउंट नंबर डाल देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने अकाउंट नंबर डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप 7 कंटिन्यू करेंगे तो आप इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो आई एग्री वाला टर्म है इस पर आपको चेक मार्क नहीं लगाया, इसलिए आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको यह जो आई एग्री वाला है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड यूज, इस पर चेक मार्क लगा कर 7 कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप पे आपको जाना है, तो सेकंड स्टेप पे जाने के लिए आप यहाँ पर जैसे ही 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप सेकंड स्टेप पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने में। जैसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी आप सेकंड स्टेप में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लान,
सेकंड स्टेप है प्लान। इसमें आपको प्लान चूज करना है कि आप कौन सा प्लान इसमें प्रीफर करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो वाला ये प्लान है, लिमिटेड पीरियड ऑफर वाला प्लान है, जीरो अकाउंट ओपनिंग फ्रीज वाला ये प्लान है, तीन चार प्लान है। तो आपको जो भी प्लान यहाँ से अच्छा लगता है वो प्लान आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्लान चूज़ करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट कर लिए हैं आप। अब थर्ड ऑप्शन पे आप पहुँच जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका है अपलोड्स, मतलब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने, तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो आपको पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पैन कार्ड अपलोड कर देना है। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको उसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है, और क्रॉप करने के बाद सेव का एक ऑप्शन दिखेगा येलो कलर में, इस पर आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो आपने पैन कार्ड अपलोड किया है इसको सेव कर लेगा, और आपका जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब एड्रेस प्रूफ में आप या तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर आई डी अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, जो भी चाहे वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर देता हूँ। अब ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने की भी सेम प्रोसेस है जैसे पैन कार्ड को अपलोड करने की थी, मतलब आपको उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है, मतलब जो डिटेल है आपकी, वो यहाँ पर डालना होता है ना। तो आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डिटेल, मतलब जो 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 ड्राइविंग लाइसेंस में आपका डेटा है वो आपको यहाँ पर टाइप भी करना होता है अपलोड करने के साथ साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही सही अपलोड कर देना है, जैसा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसमें जैसा डाटा है वैसा आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको एड्रेस प्रूफ डिटेल, और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे उसके बाद इशू डेट भी आपको यहाँ पर डालना है। इशू डेट मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड या वोटर आईडी वो कब इशू हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपको एंड ऑफ डेट, मतलब कब ख़त्म हो जाएगा, उसका भी डेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डिटेल में इसमें आपको एड्रेस डालना है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड में ऑलरेडी मेंशन रहता है, एज इट इज़ आपको देख देख कर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू दोनों यहाँ पर कंपलसरी है आपको डालना, अगर आप नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो थर्ड स्टेप वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पहुँच जाएंगे सीधे फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो आपने एड्रेस प्रूफ डाला है, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसको अपलोड करने के बाद आपको अपना सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और आपका एक IPV मतलब आपको एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा कुछ 5-10 सेकंड का, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो थर्ड स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अपलोड सेल्फी और इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब IPV यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपकी जो थर्ड प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप पहुँच जाएंगे आप सीधे सिंपल फोर्थ प्रोसेस पे। फोर्थ प्रोसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगा, पूरी थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपको फोर्थ प्रोसेस पर, नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुँचा देगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले, कमेंट करें आपको या कहाँ दिक्कत आ रही है, हम आपका पूरा रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी आप फोर्थ स्टेप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके पहले भी एक ऑफ़र आया था 95 वाला, जो कि अभी क्लोज कर दिया गया है। वो जिसने भी कंप्लीट कर लिया था उस ऑफ़र को, उसको वो 95 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है, 7 वर्किंग डेज में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद उसको भी आपको सेव नेक्स्ट पर करके क्लिक कर देना है। अब फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको फिफ्थ स्टेप है ई साइन, आपको ई साइन करना है। अब यहाँ पे देखिए काइंडली वेरीफाई, मतलब ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई, उसको आपको वेरीफाई करना है सबसे पहले। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आई हेयर बाय, इस पे यह जो येलो कलर में लिखा हुआ आया था उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ई सिग्नेचर करना है। ई सिग्नेचर करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पीडीएफ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें आपका टोकन नंबर कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये
प्रोसीड फॉर ई साइन, इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो नंबर रहेगा इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका नाम, क्या है? क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसको आपको कंटिन्यू कर देना और आई एग्री पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आप ई साइन के लिए एनएसडी वाली साइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ई साइन के लिए आप एनएसडी वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। अब ई साइन के लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपके आधार से मोबाइल नंबर इसमें लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, ठीक है, उसके बाद ही आपको ये ऑफ़र कम्प्लीट करना है। अब यहाँ पर ई साइन की प्रोसेस आपको करनी है, मतलब ऑटोमेटिकली ई साइन हो जाएगा आपका अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो, ठीक है। अब एन एस डी एल वाली साइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है, एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा उसमें आपको यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है जो कि 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज या OTP जिसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, वो मैसेज आपको यहाँ पर डालना होता है, तब आपकी ई साइन की प्रक्रिया या प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर सही सही डालना है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे आपके पास OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर मैं OTP फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा लोड लेगा और जो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पूरी फुल स्टेप प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया है, 5 स्टेप है, 5 स्टेप्स कैसे कंप्लीट करना है पूरा बता दिया है आपको। वीडियो कैसा लगा आपको तो यहाँ पर आपको कमेंट भी ज़रूर करना है, आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अब इसके आगे की प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वेरीफाई करवा लिया OTP को, OTP जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर कुछ समय लगता है, थोड़ा प्रोसेस चलती है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सक्सेस वाला एक मैसेज भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सक्सेस वाला मैसेज किस प्रकार आएगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए ये द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इज नाउ डन, मतलब आपकी प्रोसेस जो डन हो चुकी है, KYC आपकी हो चुकी है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इस वाले जो ये स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही है इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसको आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, है ना, सोशल केयर्स क्लब नेटवर्क पर आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना है, उसके बाद सीधा सिंपल आपको सोशल केयर्स क्लब नेटवर्क के अकाउंट पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप जब इस स्क्रीनशॉट को वहाँ पर अपलोड करेंगे तभी आपका जो ये ऑफ़र है कंप्लीट माना जाएगा और आपको 99 रुपये का यहाँ पर जो भी है रेवेन्यू वो आपको दिया जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है। और अगर आपका जो मतलब जैसे इसमें सोशल केयर्स क्लब नेटवर्क में विड्रॉल कैसे करना है तो इसकी भी प्रोसेस आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इसका वीडियो पूरा मैंने दिया है कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट को मैं सोशल केयर्स क्लब नेटवर्क पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपका जो अमाउंट है वो 7 वर्किंग डेज में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमेशा अपडेट रहें। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।